ना भाई, तो यहाँ बारिश होगी तो उधर धूप रहता, हमारे उधर यहाँ पे धूप होगी तो इधर बारिश होगा, मतलब एकदम अपोजिट चलता है हम लोग का, बस वही दिन रात सेम होता है, बाकी सब डिफरेंट होता है। फुल पावर माहौल में अपना ब्लॉगिंग कर रहे थे, बाकी यहाँ पे चले आए तो हम लोग वेज ही खाते हैं। मेरे चक्कर में ये भी बेचारी वेज खा रही है, इसको भी वेजिटेरियन बना दे रहे हैं। मतलब मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना, लोग रूल रेगुलेशन को थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे हैं, मतलब अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। शुरुआत में हम लोग को इमरजेंसी अलार्म ही लगा, तो यहाँ तो बहुत भीड़ है, देख सकते हो पूरा फुल पावर भरा हुआ है, छोटा सा बस है लेकिन लोग भरे रहते हैं। भाई बाइक लेके नहीं आया क्योंकि अभी पैर का चोट सही नहीं हुआ। क्या बोला छो बंगाल की पब्लिक, एंड आज के हमी कुछ ही ब्लॉग, ये है हमारे ब्लॉगर फियरलेस बाइकर शिवम। तुम्हारा भाई आ चुका है वेस्ट बंगाल में भाई, एंड बहुत टाइम बाद फाइनली हम दोनों मिल रहे हैं, और किस लिए मिल रहे हैं वो थोड़ा बहुत आप लोग को अंदाजा लग गया होगा। तो दुर्गा पूजा का अभी टाइम चल रहा है और बेसिकली तुम्हारा भाई दुर्गा पूजा ही घूमने आया। भाई मैं कितने साल पहले बोल चुका हूँ अपने ब्लॉग में कि मेरा मतलब वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा घूमने का बहुत ज़्यादा मन था। कुछ और भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके रिवील होएंगी। आगे चलो, अभी थोड़ा चल रहे थे शॉपिंग वगैरह करने के लिए, दुर्गा पूजा का कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे हम लोग, और ऊपर से दुर्गा पूजा वगैरह शाम के टाइम में घूमने जाएंगे। अभी तो दिन में थोड़ा काम था तो उस वजह से जा रहे थे। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, और ये बहुत आते, रहा आते, है। आते इसने पूरे झोले वोले पकड़ा दिए मेरे को, बोल रहे है कि उठ, मेरे से उठा नहीं जा रहा भाई। नहीं मतलब बहुत भारी है तो इसलिए मैंने दे दिया, मैंने सोचा भारी काम आप करो, अच्छे से जोर से पकड़ना, लेके कोई भाग जाएगा। हमारे एखाने लोग एरकम ना कैमरा नहीं है, क्यों पालाबे ना। अच्छा चलो, मतलब इसका मतलब यही है कि यहाँ के लोग ऐसे नहीं है कैमरा लेके भागते नहीं है ना। चलो ठीक है, अच्छी बात है, भागना भी नहीं चाहिए। अभी भी रोजी रोटी है भाई, कैमरा हमारे यहाँ पे तो कभी ऐसा नहीं हुआ है, हम लोग जहाँ पे रहता है चोरी ना ही होता है। और बताओ कब हम लोग जाने वाले हैं अपना घूमने के लिए? बहुत अच्छा पब्लिक है इधर का। कब हम लोग जाने वाले हैं घूमने के लिए, मतलब दुर्गा पूजा जब दुर्गा पूजा शुरू होगा, ये ब्लॉग पता नहीं कब आएगा, लेकिन दुर्गा पूजा अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। वैसे रात को हम लोग गए थे, रात को हम लोग गए थे घूमने के लिए, मतलब शाम के टाइम पे क्राउड बहुत ज्यादा था भाई रोड पे, और वो तो दुर्गा पूजा शॉपिंग का क्राउड था। हाँ मतलब शॉपिंग चल रहा है अभी, लोग करने निकले थे लेकिन इतना ज्यादा भीड़ था, अब मेरे को लगा मेला वगैरह सब स्टार्ट हो गया, मैं तो खुश हो गया, लेकिन फिर जाके देखा तो फिर मालूम चला नहीं यार अभी प्रॉपर तरीके से नहीं स्टार्ट हुआ, अभी डेकोरेशन ही चालू है, तो आई थिंक शायद आज से तो थोड़ा बहुत चालू भी हो जाएगा, है ना, क्या लगता है? बाकी चलो अब ना थोड़ा चलते हैं जल्दी से, कुछ ऑटो वगैरह पकड़ते हैं भाई, क्योंकि ये पैदल पैदल लेके जा रही है भाई पता नहीं कहाँ तक, और फिलहाल बहुत अच्छे एरिया से हम लोग गुजर रहे हैं, तो वैसे मौसम ठीक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर तो फिलहाल के लिए मतलब ठंडा ही है। हाँ मैं जब आया हूँ ना अपना बस्ती से, इतना गर्मी था भाई, इधर अलग ही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जम्मू हो गया और जैसे हम लोग का होता है ना लद्दाख हो गया, वहाँ पे टेम्परेचर अलग रहता है, हमारे यहाँ अपोजिट रहता है। वैसे यहाँ भी सीन है भाई, यहाँ बारिश होगी तो उधर धूप रहता है, हमारे उधर यहाँ पे धूप होगी तो इधर बारिश होगा, मतलब एकदम अपोजिट चलता है हम लोग का, बस वही दिन रात सेम होता है, बाकी सब डिफरेंट होता है। दिन रात डिफरेंट होगा तो समझ लो कि कंट्री अलग है। बाकी चलो है नहीं, जब भी यहाँ पे आते हैं। हाँ मैं फर्स्ट टाइम आया था ना ये वेस्ट बंगाल में, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई हाँ कि दूसरे कंट्री, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ख़राब है, अच्छी है, मतलब एकदम डिफरेंट, मैंने ऐसा कोई जगह नहीं देखा था भाई, एकदम अलग टाइप का कल्चर, हाँ अलग टाइप का कल्चर, अलग टाइप का लोकेशन, अलग टाइप के लोग, अलग टाइप के इवन घर भी आप लोग को थोड़े बहुत अलग अलग टाइप के देखने को मिलेंगे कहीं कहीं। बाकी चलो कहीं अच्छे जगह पहुँचते हैं फिर मिलते हैं भाई। तो अगर आप अच्छे से देखेंगे तो सब कुछ सेम ही है, आपको बस देखने का फर्क है, नजरिए का फर्क है। हाँ ये देखो डॉगी वगैरह भी हम लोग के पीछे पीछे आ रहा है कि भाई आप उनको भी ब्लॉग में लो, तो ले लिए भाई इन लोग को, ये सब अपने सिक्योरिटी है भाई, जेड प्लस सिक्योरिटी लेके हम लोग घूम रहे हैं, देखो सब उधर चले गए हैं। तो यहाँ पे बस का वेट कर रहे थे भाई, अरे लो बस आ गई गई, तो यहाँ का बस कुछ ऐसा है। तो आज लोकल लोकल चीज़ें आप लोग को दिखाएंगे यहाँ पे, मतलब जो भी चीज़ें चलती हैं, ये है बस, कुछ ऐसा बस है भाई। बाइक लेके नहीं आया क्योंकि अभी पैर का चोट सही नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बस है और जिसका एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग है भाई, एकदम डिफरेंट है। तो मैं तो अभी खड़ा हूँ भाई क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, एंड इनको देखो
अच्छा लगा, ये RTO की तरफ से लगाया गया है सारे बसों में भाई, मतलब वेस्ट बंगाल में जितनी भी बसें हैं सब में लगे होंगे। RTO इससे ट्रैक कर सकती है कि बस कहाँ जा रही है, चोरी भी नहीं हो सकती, क्राइम भी शायद कम हो सकते भाई इससे। तो बस वगैरह एक्सीडेंट करके भाग रहा है तो वो भी ट्रैक हो सकता है इजिली, किसी को किडनैप वगैरह करके तो होता है ना जो क्राइम वगैरह, वो सब भी कम हो सकते हैं। अच्छा लगा, वुमेंस के लिए तो बहुत अच्छा है और होना चाहिए, मेरे को लगता है हर गाड़ी में होना चाहिए, अलार्म भी होना चाहिए, एक इमरजेंसी अलार्म है ना, सीधे पुलिस के पास बजे। शुरुआत में हम लोग को इमरजेंसी अलार्म ही लगा। तुम यहाँ तो बहुत भीड़ है, देख सकते हो पूरा फुल पावर भरा हुआ है, छोटा सा बस है लेकिन लोग भरे रहते भाई। यही था हमारा बस आज के लिए, इसमें हमने ट्रेवल किया है, एक बार ही और हमने घुमा है भाई, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अलग टाइप का बस था, ये थोड़ा अलग है ना, अच्छा ही एक्सपीरियंस था हमारा। और फिलहाल के लिए देख सकते हो ऐसा कुछ मार्केट इलाका में आ चुके हैं। एक चीज़ और मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, अभी आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखो GST नंबर सारे दुकानों पे लिखे हुए हैं, मतलब यहाँ पे मोस्ट ऑफ दुकानों पे GST नंबर बाहर ही लिखे हुए हैं, मतलब मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना लोग रूल रेगुलेशन को थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे हैं, मतलब अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग गए थे इसके, मतलब इसको कुछ काम वगैरह कराना था कपड़े से रिलेटेड, तो वो जो जो आगे ऑनर है वो वो 2 घंटे लेट से आएंगे भाई। वहाँ की एक लेडीज भी वर्कर थी तो वो बताए कि हम नहीं समझ पाएंगे, जो आपको काम कराना है, जो डिजाइन वगैरह करवाना है वो अंकल ही कर पाएंगे। और हमें लगी थी बहुत ज़्यादा तगड़ी भूख भाई, क्योंकि हम लोगों ने तगड़ा ट्रैफिक देख के आया है बस के अंदर, मतलब इतनी भीड़ थी भाई, भीड़ भी थी और हम भी पूरा फुल पावर माहौल में अपना ब्लॉगिंग कर रहे थे। बाकी यहाँ पे चले आए और सोचे हम लोग कुछ पेट पूजा कर लेते हैं, हाँ द हंगर वर्ल्ड में आए हैं अपना हंगर मिटाने के लिए, है ना। और मैं नॉनवेज नहीं खाता भाई, तो इसलिए हम लोगों ने कॉम्बिनेशन बनाया कि हम मशरूम खाते हैं, वेज ही खाते हैं। मेरे चक्कर में ये भी बेचारी वेज खा रही है, इसको भी वेजिटेरियन बना दे रहे हैं। वो काफ़ी टाइम तक हम लोग बैठे थे, सोचे वेट करते हैं, फिर बातचीत भी कर रही थी वो जो लेडी थी, बंगाली में कुछ बातचीत भी कर रही थी लेडी थी, तो मैं ट्रांसलेट समझने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं वहाँ पे ब्लॉग नहीं बनाया, मैं समझने की कोशिश कर रहा था। सो देखते पाचन की मशरूम मसाला ना, मशरूम मसाला एंड प्लेन राइस एंड नान। तो चलो भाई खा वा के फिर मिलते भाई, तुम लोग से टाइम लैग में एंजॉय करो। चुका है खावा के खत्म भाई, देख सकते हो पूरा एकदम खावा के ही सबसे ज्यादा खाई, हमें सब तक बेसी खाई नहीं किंतु अनेक बेसी खे दी थी, बोल रही है कि मैं ज्यादा नहीं खाई हूं, आधा आधा ही हम लोग खाए हैं, तो अभी दिन का टाइम है तो इसलिए थोड़ा हाफ हाफ ही खाए, मतलब फुल पेट खाना भी नहीं था क्योंकि अभी मार्केटिंग वगैरह करना है, फुल पेट खा लेंगे तो चला नहीं जाएगा और प्लस नींद भी अलग से आएगी, है ना, अभी भी नींद पूरी नहीं हुई भाई मेरी। बाकी चलो यहाँ से निकलते हैं, बिल वगैरह आ चुका है, खाना सब अच्छा था, मिस्टी मशरूम भी बहुत अच्छा था, मिस्टी लाग से नो क्या बोलते हैं मिस्टी लागे, खूब भालो मजा ऐसे गए थे के मजा ऐसे पेट भरे दी थी। हां क्या हुआ, नान भी इनकी वजह से मैंने दो खाना नान के साथ चावल खा लिया यार, बहुत ज्यादा मतलब मेरा पेट फुल से भी फुल हो गया, दो लोग का खाना खा चुके हैं। तो देखो गाइस ये रजनीकांत, हाँ बताओ कौन से मूवी में करता था, गोपी किशन मूवी का नाम था गाइस, गोपी किशन में देखा होगा आपने, ये तो तब पैदा भी नहीं हुआ, गोपी बहू वाला, गोपी बहू में वो अहम का रोल निभा रहा था, अहम जी राशि ने कुकर में चने चढ़ा दिए, खाली कुकर इसको ठेलून कर दिए हैं, देखो इतना खाली कि चला नहीं जा रहा है इससे, गणपति भगवान से आशीर्वाद ले रही है कि चलने की क्षमता दो, चलो आ जाओ, चलो जल्दी चलो यार तुम्हारा लेट हो जाएगा वो वाला, चलो भाई जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से। इस रेडियो में रेस्टोरेंट खोल के रखा है भाई ने, अभी शाम तो हो ही गया भाई,
अब इसका काम करवा देते हैं। एक चीज़ और है वो भी लेना है तो वो भी ले लेंगे। ये वाला मार्केट मेरे को काफ़ी सही लगा, इसके एरिया का मार्केट था जो हम घूमने गए थे रात में। उतना ज़्यादा ब्रांडेड टाइप की चीज़ें वहाँ पे नहीं थी। यहाँ एक चीज़ और तुम लोग को देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो जितनी भी दुकानें हैं ना, यहाँ पे ज़्यादातर लोकल लैंग्वेज देखने को मिलेगा भाई, बंगाली लैंग्वेज है यहाँ का, तो वो चीज़ ज़रूर है तुम लोग को मेंशन मिलेगा भाई। साथ में इंग्लिश भी मिलेगा, लेकिन बंगाली लैंग्वेज जो इनका ओरिजिनल लैंग्वेज है उसको ये लोग बहुत ज़्यादा आगे ले कर चलते हैं। ये चीज़ मैं देखा हूँ, यहाँ पे हर कोई ज़्यादातर हिंदी भी आती है तो भी मतलब बंगाली ही बोलते हैं लोग। कुछ ऐसी गलियों में घूम रहे हैं, तंग गलियों में, तो इसको कुछ बैंगल वगैरह लेने थे इसलिए घूम रहे हैं। कुछ मीना स्टोर करके है पता नहीं, आई डोंट नो। यहाँ पे 10 बजे तक मार्केट खुला रहता है, और ये जिस एरिया में रहती है वहाँ पे पूरा दिन मार्केट बंद रहता है। ये जिस एरिया में रहती है तो कुछ ऐसा ही लगता है, मतलब पूरा कपड़ों वाला ही मार्केट है। इसका जो एरिया है वहाँ पे भी कपड़े का एक पूरा मार्केट ही है, फिर एक सब्जी का पूरा मार्केट, फिर एक मतलब नॉन वेज का पूरा मार्केट, ऐसा सब करके। तो भाई बहुत घुमाया इसने, बहुत घुमाया, हालत ख़राब हो गई है। इधर इधर हो इतना ही मेरे को आज घुमा डाली है भाई, हालत ख़राब हो गई मेरे को। दुकान के अंदर बाहर, मतलब हर दुकान में घुसवा दो चप्पल जूता उतार के। एक तो मैंने बूट वूट पहन के आया था मैं भाई घर से, क्योंकि मेरा पैर में दिक्कत है ना, तो पैर को थोड़ा स्ट्रेट रखना है। जब से एक्सीडेंट हुआ है मैं चला नहीं पा रहा हूँ बाइक वगैरह सही से, और पैर में अभी भी सूजन है, ये देख सकते हो मेरे को अभी भी यहाँ पर सूजन है। किसी कोई कान का ले सकते हैं, कान का लेकर उसको बैठा सकते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। तो भाई तब से मार्केट में ही चक्कर काट रहे हैं, और देखो इतनी शॉपिंग हो गया है, मतलब ये अलग है भाई। वो जो हुआ था वो कपड़े हम लोग दे चुके हैं, मतलब जो इसको कपड़े वगैरह बनवाने थे वो सब हो गया है, और किस लिए बनवा रहे हैं वो आप लोग को जल्दी देखने को मिलेगा। ये आने वाली है यूपी, बस इतना हिंट दे दिया हूँ, यूपी बस्ती हमारे शहर आने वाली है ये जल्दी, तो वो पूरा प्रॉपर ब्लॉग देखने को मिलेगा। मेरे पैर में दर्द है इससे, मैंने बोला बाइक लेके आओ तो बोल रही है कि नहीं मैं भीड़ में नहीं चला पाती हूँ। मैं इसलिए नहीं चलाया क्योंकि भाई मेरा पैर अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, दर्द वर्द थोड़ा बहुत कम है लेकिन सूजन कम नहीं हुआ। दवा खा रहा हूँ तो दर्द ख़त्म है, सूजन तो बोला है कि धीरे धीरे जाएगा। जगह सजावट वगैरह हुआ है यहाँ पर, मूर्ति अभी नहीं बैठी है, मूर्ति वगैरह अभी बैठेगी लेकिन सजावट यहाँ पर पहले करते हैं। 370 किस चीज़ का है? 370 का पानी, वन दुपट्टा और लहंगा कटिंग और। तो चलो भाई फाइनली फाइनल हो चुका है सारा कुछ, बस अब यहाँ से निकलने वाले भाई। चलो ये गाने का मीनिंग बताने वाली है, गाने में बंद हो गया क्या? अन्याय हो रहा है हमारे साथ, गाना बंद हो गया भाई, गाने का मीनिंग। अच्छा इसका मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग ये क्या लिखा? अच्छा ये उड़ना, ये देखो ड को ऐसे उल्टा लिखते हैं। अरे यार उड़ना उड़ना उड़ना, अच्छा उड़ना मतलब ढकना, मतलब दुपट्टा होता है, हमको लगा ये उड़ना मतलब उड़ना। और ये ज्ञान थोड़ा थोड़ा हिंदी से मिलता जुलता शब्द है यार, थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ पा रहा हूँ।